नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर के जागृत युवाओं के संगठन हम हैं इंसान के द्वारा पिछले 5 महीनों से सागर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम छेड़ी गई है और इसके अंतर्गत हर रविवार को हम हैं इंसान टीम के सदस्यों के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी तारतम्य में इस रविवार तिली स्थित एकीकृत माध्यमिक शाला को सुंदर बनाने का प्रयास सदस्यों के द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय की दीवारों को पहले सुंदर तरीके से रंगरोधन करके सजाया गया और उसके पश्चात वहां पर बिखरी गंदगी को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि ग्रुप के सदस्यों द्वारा तिली स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया, जिसमें विद्यालय की जर्जर और गंदी पड़ी दीवारों को नए सिरे से रंगरोधन कर उन दीवारों पर विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक चित्र बनाए गए। ग्रुप के सदस्यों के द्वारा विद्यालय के क्लास रूम में भी रंगरोधन कर उन पर शिक्षाप्रद फलों, सब्जियों, ज्यामिति आकृतियों के चार्ट बनाए गए। वहीं ग्रुप के सदस्य हिमांशु ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे विद्यालय जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, इन विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने शिक्षा के संस्थानों को साफ सुथरा और विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार उसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा सकें। वर्तमान समय में सागर नगर के अधिकांश सरकारी विद्यालयों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिस कारण से विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। इसलिए हमारे ग्रुप द्वारा सागर शहर में उपेक्षित विद्यालयों को चिन्हित कर उनमें सौंदर्यीकरण अभियान एवं विद्यालय में शिक्षा स्तर को सुधारने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। वहीं शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी टीम शहर को नंबर एक बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है और इस कार्य में शिक्षा का विशेष महत्व है। हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर चिंताजनक है, जिसके लिए प्रशासन को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आयुषी, क्या उद्देश्य को लेकर आप लोग यहाँ आज काम कर रहे हो? आज हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं जहाँ काफ़ी फैसिलिटीज नहीं थी, सिर्फ एक स्कूल ही था नॉर्मली, वो भी उसकी कंडीशन कुछ खास नहीं थी। तो आज हम इसको थोड़ा अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करके उसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश में थे, ताकि यहाँ बच्चे जो भी आए उनका मन लगे। और सिर्फ हम यहीं तक सीमित नहीं रहने वाले, जैसे कि हमारी टीम में 70-80 लोग हैं और सभी अच्छे एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना समय भी उनको दें। एटलीस्ट महीने में एक दिन भी कोई अगर अपना समय देता है तो उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करा सकेंगे हम लोग, और इससे देश का भविष्य भी सुधर सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अंशु जी, आज के अभियान का आप उद्देश्य बताइए। नमस्कार, हम इंसान टीम के द्वारा इस इतवार एकीकृत माध्यमिक शाला तिली में रंगरोगन एवं पुताई का कार्य किया गया, और इसको और हमारे द्वारा जो हम लोग हर बार बुंदेलखंड या फिर वर्ली आर्ट बना देते हैं, तो बच्चों को ध्यान में रखते हम लोगों ने इस बार अलग अलग कलर रंगों का यूज़ किया। तो हम लोगों ने इसको बहुत आकर्षक बनाने का कोशिश किया कि बच्चे जब आए स्कूलों में आए, प्राइमरी स्कूल है ये, बच्चे नए नए छोटे छोटे बच्चे आए तो उनको एक नई भावना, एक खुशी का अनुभव जो कई प्री स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों में होता है बच्चों को। और हमारी सरकार से भी यही उम्मीद है कि आपके पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे मैन पावर भी आपके पास, हमने सिर्फ मात्र 4-5 हज़ार रुपये में हम लोगों ने खुद ही इकट्ठा किया और ये कार्य हमारे द्वारा किया गया। तो आप भी कृपया अपनी शाम को आप भी आगे बढ़ाएं, जितना हो सकता है हम लोग इसमें आपका सहयोग करेंगे, आप भी हमारा सहयोग करेंगे। शुभम जी, इस इतवार हम इंसान टीम के द्वारा किए गए कार्य का आप ब्यौरा दीजिए। आज हमने शासकीय स्कूल लिया हुआ है और हमें पता है कि एक देश का भविष्य कहते हैं बच्चों पर निर्भर करता है, और इसलिए हमने बच्चों का भविष्य जहाँ से बनता है वो होते हैं स्कूल। आज हम सब जो भी आज हैं वो इन स्कूलों की वजह से ही हैं। तो पहले जिस तरीके से शासकीय स्कूल हुआ करते थे और उनमें जो स्ट्रेंथ होती थी अब वो नहीं है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि इन स्कूल में हमने एक मॉडर्न तरीके से लोग देने की कोशिश की है कि बच्चे जब यहाँ बैठे तो उनको सुंदर स्कूल लगे। लेकिन जो हमारे संभव था, जैसे कि ये हमें पेंटिंग करना हमारे काम में संभव था, हमें पेंटिंग आती है, हम कलर हमने एफर्ट कर लिया, लेकिन अब जैसे ये जो विंडो टूटी हुई है या यहाँ बैठने की जो व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम नहीं करा सकते, ना इतना हमारे पास फंड है और ना इसका हमारे पास इतना अधिकार है। तो जो भी जागरूक लोग हैं या जो संबंधित लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इन बच्चों के लिए सिटिंग की व्यवस्था करें, ये प्रॉपर टेबल कुर्सी के अरेंजमेंट हो जाए, और दूसरे जिस तरीके से आप ये हालात देख रहे हो इन हालात को सुधारा जाए। ये एक बहुत बड़ा काम होगा हमारे शहर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। धन्यवाद।
खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।